गृह राज्य मंत्री अजय टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर 18 अक्टूबर को 6 घंटे ट्रेन रोकेंगे राकेश टिकैत। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत गुरुवार को अलीगढ़ के टप्पल में निजी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भारतीय किसान यूनियन की मुख्य कार्यकारिणी के सदस्यों से बात की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। लखीमपुर खीर की घटना को लेकर राकेश टिकैत मुखर हैं। उन्होंने सीधे कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी 120वीं का मुजरी में रिपोर्ट दर्ज है, पुलिस गिरफ्तार करे और मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक मंत्री पद पर अजय टेनी बने रहेंगे तब तक जांच को प्रभावित करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी केवल रेड कारपेट गिरफ्तारी है और गुलदस्ते के साथ में पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक मंत्री की बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। 18 अक्टूबर को देशभर में 6 घंटे ट्रेन रोकने का अभियान होगा। वहीं 26 अक्टूबर को लखनऊ में बड़ी किसान पंचायत का आयोजन किया जाएगा। सर, लखीमपुर खीरी को लेकर जो आपकी सर मांगे हैं, जो गृह मंत्री इस्तीफा दें उसके बाद जाँच हो, सर क्या कहना है सर आपको? देखो, गृह राज्य मंत्री 120वीं का मुलजिम है, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है, उसको पुलिस गिरफ्तार करे, जिस पद पे है उससे वो इस्तीफा दे, तो जांच को प्रभावित नहीं करेगा। अभी तो पूर्ण रूप से जांच प्रभावित होगी। गृह राज्य मंत्री के पुत्र से कोई बातचीत कर सकता है, कोई उनसे जो घटना है उसके बारे में सच्चाई जान सकता है। अभी रेड कारपेट गिरफ्तारी है, गुलदस्तों के साथ में पूछताछ है। नहीं सर, आओ जैसे गिरफ्तार किया, मांग भी चल रही है, यानी कि आप लोग किसान वहाँ मांगे कर रहे हैं कि वहाँ पर अभी ये जो सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी, तो गृह मंत्री क्या अगर जब इस्तीफा नहीं देंगे उसके बाद क्या सर आप कदम उठाओगे आगे? नहीं, हमारा तो मूवमेंट सर 18 तारीख में ट्रेन का हमारा है, 6 घंटे ट्रेन रोकेंगे। 26 तारीख को बड़ी पंचायत लखनऊ में है, वो पंचायत हम करेंगे। तो MSP पे अभी धान और बाजरा आ रहा है, उसको बिकवा दो, वो मंडी बता दो कि कहाँ पर बिकेगा, तो जरूर बता देना चाहिए, क्योंकि किसानों को पता नहीं कि कहाँ पर बिकेगा, वो स्थान बता दें एक बार हमको। वैसे सर, या इसमें ये पकड़ा गया, ये जो गृह मंत्री का लड़का पकड़ा गया, उसका एक मित्र था, उसकी भी आज रिमांड चली 3 दिन से। सर क्या ये वो बता रहा है कि माध्यम से कि मौके पे था कि नहीं था, ये सर क्या सच्चाई है? हमने कहा कि जब तक गृह राज्य मंत्री इस्तीफा नहीं देगा वे झूठे गवाह पेश करते रहेंगे, अपने ऊपर केस ले लेंगे कि हम थे जी, हम बच के भाग गए जी। ये पूर्ण रूप से सच्चाई सामने नहीं आएगी जब तक अजय टेनी इस्तीफा नहीं देता, जांच को प्रभावित करता रहेगा। अच्छा सर, वहाँ बताइए, वहाँ पर जैसे कासपुर मिले थे और वो बंदूक जो असला मिले थे, इस विषय में क्या क्या वो रियलिटी क्या सच्चाई थी, क्या था उसमें? अभी तो ये जाँच में आएगा सारी चीज़ें। अच्छा, तो जो जांच हो रही है उससे आप संतुष्ट? नहीं, हम संतुष्ट नहीं उससे। तो सर कब संतुष्ट? जब तक इस्तीफा नहीं होगा, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक देश का किसान तो संतुष्ट नहीं है। सर, उनके परिवार से आप मिले थे जाकर लखीमपुर, सर तो परिवार का क्या कहना, उनके क्या विचार थे सर? नहीं, परिवार के लोग तो क्या कहेंगे भाई, उनके तो परिवार से आदमी चला गया तो वे क्या कहेंगे, ये तो अब समाज का किसान का इशू है। परिवार तो ये कह रहे कि जो कर रहा है वही कर, परिवार के लोग क्या कह सकते हैं, क्योंकि उसकी जो अजय टेनी है उसकी बड़ी दहशत वहाँ के क्षेत्र में है, 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा में उसकी एक टेरिटरी है पूरी, उसका पूर्ण रूप से वहाँ पर दबदबा रहता है। और कई जिलों में जो तराई की बेल्ट है, जो नेपाल से लगती हुई जो जंगल और बेल्ट है, उसका पूरा क्षेत्रफल एक साम्राज्य वहाँ पर है, तो उसका साम्राज्य को तो भाई जब घुसा जाएगा जब वो इस्तीफा दे देगा, अभी तो गृह राज्य मंत्री है। अच्छा सर, यूँ बता रहे हैं कि जो वीडियो जो आई है, वो वीडियो तो काफ़ी और तरह तरह की वीडियो आ रही है, क्या सर ये जो वीडियो रियलिटी वीडियो कौन सी है? वीडियो तो इत्तेफाक जो बन रही होगी वही वीडियो होगी, क्योंकि घटना जो हुई है वो सबने देखी है, क्योंकि किसी को ये तो नहीं पता था कि कोई आएगा पीछे से उसकी वीडियो बनाऊंगी, तो इत्तेफाक कोई बढ़ा रहा है तो वो वीडियो आ रही है।